सुधीर राज जी, सुधीर राज जी पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। सुधीर राज जी, आप बुद्ध की बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं। आपसे एक छोटा सवाल मैं पूछूंगा, आज जो बुद्ध भिक्षु हैं या बुद्ध अनुयायी हैं, सब एकजुट क्यों नहीं है वो बताएं। जब धम्म का पतन हुआ तो सब लोग बिखर गए जी। और भारत में जब, जैसा कि बुद्ध ने एक अपने अनुमान के हिसाब से, अपनी शिक्षाओं के हिसाब से ये बताया था कि लगभग 2500 साल के बाद में चेतनाएं दोबारा से अच्छी जागेंगी और अच्छी शक्ति दोबारा से आएगी जी। 1956 में बाबा साहब ने जो धम्म का प्रचार प्रसार कारवां और जो धम्म की शिक्षा को, त्रिपिटक को पूरे को भगवान बुद्ध और उनका धम्म में किताब में डाला और बनाया, उसके बाद से दोबारा से वो बिखरा हुआ जो काम है वो इकट्ठा होना शुरू हुआ जी। अभी ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं है, 70 साल हुए हैं, तो 70 साल में इतना हो गया कि धम्म के आधार पे भिक्खु आने शुरू हो गए। मगर भाषा का दिक्कत है, क्योंकि नॉर्थ का भाषा और है, साउथ का और है, ईस्ट का और है, कुछ इंग्लिश का दिक्कत है, कुछ अभी संचार का है, कुछ पैसे का है, कुछ अभी ऐसे कर्मशील संस्थाओं का, जो संस्था वास्तव में ये चाहती है कि धम्म बढ़े, क्योंकि सबने अलग अलग धम्म का काम करके अलग अलग संस्था बनाए हैं। समय आ गया है कि अब लगभग सब बहुत तेज़ी से चक्रवात की तरह इकट्ठे होने वाले हैं और बहुत जल्दी हो जाएगा। धम्म का व्यक्ति होगा तो एक साथ रहेगा, अधम्म का होगा तो अलग रहेगा, ये पहचान है। भिक्खु अगर भिक्खु संघ का होगा तो संघ में रहेगा, और अगर भिक्खु संघ से अलग है तो वो संघ का नहीं है, भिक्खु नहीं है, ये उसकी पहचान है। ये भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने दी हुई है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये सब आने वाले हैं साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।